सरहदी बाड़मेर में कुकुरमुत्तों की तरह खुले मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में अनाधिकृत की जानकारी पर बाड़मेर पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को संदिग्ध हालातों में गिरफ्तार किया है। इन लोगों में 5 युवतियां राजस्थान से बाहर की हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गोल्डन स्पा सेंटर पर बाड़मेर पुलिस ने दबिश देते हुए संदिग्ध और आपत्तिजनक हालातों में 5 युवतियों सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सरहदी बाड़मेर में कुकुरमुत्तों की तरह खुले मसाज पार्लर और स्पा सेंटरों पर अनैतिक कृत्यों की जानकारी पर बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 लोगों को संदिग्ध हालातों में गिरफ्तार किया है। इन लोगों में 5 युवतियां राजस्थान से बाहर की और सरहदी बाड़मेर में स्पा सेंटर की आड़ में चला रही थी कंदा खेल। सरहदी बाड़मेर में पुलिस ने बुधवार की रोज स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गोल्डन स्पा सेंटर पर बाड़मेर पुलिस ने दबिश देते हुए संदिग्ध और आपातजनक हालातों में 5 युवतियों सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर शहर की पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बाड़मेर अहमदाबाद हाईवे पर चामुंडा सर्किल के पास स्थित गोल्डन स्पा पर रेड की। इस जगह पर लंबे समय से स्पा और मसाज की पार्लर की आड़ में चश्म फरोशी का धंधा चलने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने बोगस ग्राहक बनाकर पहले सूचना का सत्यापन करा और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कस्बा बाड़मेर में किस्पा की आड़ में तो जिस फरोशी की इस तरह की सूचना थी तो पता किया, जानकारी लेकर हमने दबिश दी। तो गोल्डन स्पा पे दबिश दी तो वहाँ कुछ युवतियाँ यूपी की, पश्चिम बंगाल की और दिल्ली की, 5 युवतियाँ और 2 लड़के मिले और सूचना के हिसाब से ये इस तरह के धंधे इमोरल ट्रैफिक करती हुई पाई गई, जिनको हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है पीटा एक्ट के तहत। डमी ग्राहक भेज के और पूरी तस्दीक करके और फिर कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसे शहर में काफ़ी स्पा है, उनके बारे में? हाँ, इस तरह की सूचना मिली, इससे ही हम सूचना कलेक्ट करके और कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ऐसी कोई भी सूचना हो तो हमें बताए और सूचना की जानकारी होते ही कार्रवाई की जाएगी ना। इसमें चूंकि जिस फिरोसी का धंधा है, इसमें व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रेड के गिरफ्तार युवक जालोर व पीपाड़ निवासी, वहीं 5 युवतियां दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस तरह की किसी भी अनैतिक कार्रवाई की सूचना पर पुलिस तुरंत एक्शन लेगी और समाज में गंदगी फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।